इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया दे दिया। ईसीपी ने पीटीआई के हालिया इंतखाबात पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल काउंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन का कहना है, पांच साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। मुसलसल इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्यों ना पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आईन में वाज़ह तौर पर आजादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई है। आजादी इजहार राय की हुदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आईन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को रखते हैं। असलह की दौड़ में खत्ते का तवाजुन बिगड़ने का इम्कान है। मादर वतन के दिफा, इज्जत और वकार के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कराची समेत सिंध भर में अमन अमान के कायम का मिशन। वजीर अला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात समेत दीगर वुजरा की शिरकत। आईजी सिंध की अमन अमान और मनशियात माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका को कराची सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया। वजीर अला सिंध ने कहा है कि सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकों की सहूलतकारों भी गिरफ्त में लाने का कह दिया है। सदर पाकिस्तान ने जमीनों पर कब्जों को नकाबले बर्दाश्त करार दिया। सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए इल्जाम में हिकमत अमली बना ली। सिंध में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कल से एक्शन होगा। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद शर्जील मेमन का ऐलान, कहा मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सदर जरदारी की हिदायत के बाद कच्चे के डाकुओं और उनके सहूलतकारों के लिए सिंध हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ हुई है। रैकी करने वाला शख्स एक मदरसे का उस्ताद था। जहां भी ऐसे अनासिर हैं उनके नापाक अजायम को नाकाम बनाया जाएगा। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाप्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने दलायल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी के वकील ने दलायल में कहा कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडियाला जेल गईं, जो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भेजा गया था। बाद में वजारत दाखिला के हुक्म पर चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ कमिश्नर ने नहीं। चीफ कमिश्नर का बनीगाला सब जेल मुंतकली का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी के वकील के दलायल मुकम्मल हो गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने का केस, पिशावर हाईकोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील ने दलायल में कहा कि अदालती फैसले से हम मुतासिर हुए हैं, स्पीकर खुद से असेंबली का इजलास नहीं बुला सकता। जस्टिस एस एम अतीक शाह ने रिमार्क दिए, अगली समाअत पर सबको सुनेंगे, इसमें फ्रीकैन को नोटिस करते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि तफ्तीली फैसला भी आ गया और 14 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन हल्फ नहीं लिया गया। एक और दरख्वास्त में अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत की है कि हमें अदालती अहकाम पर अमल दरामद से मुतलिक आगाह करें, अगर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर वजीर आला और स्पीकर को बुलाएंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी ना होने पर कीमतों में मजीद कमी। किसान फीमन गंदम 3000 रुपए तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने का फैसला ना कर सकी। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। किसानों का आज पंजाब के तमाम अजला में मुजाहरों का ऐलान। किसान तंजीमें सड़कों पर गंदम रखकर धरने देंगी। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है, पंजाब हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की, काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसानों को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी।
पाकिस्तान के अमेरिका को अड्डे देने की कयास आरायों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फजाई हदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्दअमल। कहा, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब से आला सतह के कारोबारी वफ पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों से मुस्बत ताल्लुक हैं। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से खुशगवार ताल्लुक रखेगा। कर्ज का नया प्रोग्राम, आईएमएफ की सख्त शराइत पर मिलने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान शेड्यूल तय पा गया। आईएमएफ मिशन 15 मई को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। नए कर्ज पर पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का होगा। दौरानिया 3 साल या उससे ज्यादा हो सकता है। हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा। खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी करना होगी।